हेलो गाइस, वेलकम टू केडी इलेक्ट्रॉनिक्स। तो आज मेरे पास है A290 ब्लू रे डिस्क DVD होम थिएटर सिस्टम BDB E290। और इसमें प्रॉब्लम क्या हो रहा है, देखिए मैंने ऑन किया और ये प्रोटेक्ट कुछ पावर आ रहा है। तो इसको कैसे सॉल्व करना है मैं आपको बताता हूँ, आप देखते रहिए। गाइस देखिए, इसमें ऑन किए, ऑन करने के बाद देखिए प्रोटेक्ट आया, प्रोटेक्ट पावर। तो आपको करना क्या है, इसमें सबसे पहला तो यहाँ पे देखिए आईसी लगाया, छोटा छोटा आईसी लगाया, यहाँ पे एक लगाया, यहाँ पे एक लगाया और एक यहाँ पे लगा। यहाँ पे देखिएगा क्लियर, सबसे पहले आईसी यहाँ पे लगी है, ठीक है, ये वाली, ये देखिए यहाँ पे देखिए, ठीक है। तो इसको निकल गया, सेकंड आईसी लगी है यहाँ पे, सॉरी ये नहीं था, ये लगी, ये आईसी निकाल दिया, थर्ड आईसी लगी है यहाँ पे, ये भी निकल गया, ठीक है, तीन हो गया, देखिए भी निकाल देने का, चार आईसी यहाँ पे था, एक यहाँ पे भी निकाल देने का और एक आईसी यहाँ पे लगी है, देखिए ये, ठीक है, पांचों आईसी लगी, निकाल दिया। और अभी जो है इसमें प्रोडक्शन नहीं आ रहा है, ठीक है, इसमें और भी ऑप्शन है जिससे ये शो करेगा, अगर समझो फिर भी प्रोटेक्शन शो कर रहा है तो उसके लिए भी है मेरे पास। सिस्टम भी ऑन की, नोटिस आ गया, नोटिस आ गया, तो प्रोटेक्शन इसका सॉल्व हो गया, ठीक है। और अभी इसमें सप्लाई आ रहा है नहीं आ रहा है वो भी चेक करना है, 27 वोल्ट सप्लाई आती है, लेकिन 27 वोल्ट सप्लाई आ रही है कि नहीं आ रही है, एक बार कराऊं। सबसे पहले 54 वोल्ट चेक कर लेते हैं, इसमें प्रॉब्लम क्या है, 54 वोल्ट ही नहीं आ रहा है, ठीक है, जिसकी वजह से प्रोडक्शन आ रहा है। तो 54 वोल्ट नहीं आएगा उसकी वजह से प्रोडक्शन आएगा। तो यहाँ पे देखिए 54 वोल्ट सप्लाई नहीं आएगा, पीस पूरा चालू एकदम रेडी है। तो गाइस प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए मेरे चैनल को, लाइक कीजिए एंड शेयर कीजिए, एंड थैंक यू सो मच गाइस।